और साथ साथ। अच्छा, ये है एक प्रोजेक्ट कि दिस इज सैम्पल प्रोजेक्ट येट एक्साइटिंग वन, यू कैन इवन कॉल इट मिनी गेम, मेगा प्रोग्राम इन विच द कंप्यूटर रैंडमली चूज अ नंबर बिटवीन 1 to 10 और 1 to 100 एंड ऑफ एनी रेंज, देन द यूजर हिंट टू गेस द नंबर, इवन द टाइम ऑफ द यूजर गेसेस अ रॉन्ग ही गेट्स अनदर क्लू और हिज स्कोर दैट रिड्यूसेस अ क्लू दैट कैन मल्टीप्लाई डिविजिबल ग्रेटर और स्मॉलर देन द कम्बिनेशन ऑफ ऑल। अच्छा, ये प्रोजेक्ट करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ईजी है। आपने जो भी आपके पास इंटरप्रेटर आ रहा है, आपने इंटरप्रेटर ओपन करना है अपना। इंटरप्रेटर पे आप क्या काम करोगे मैं आपको बता देता हूँ, इंटरप्रेटर को आप कैसे लेके चलोगे वो भी आपको बता देता हूँ। इंटरप्रेटर मतलब जो आपका पाइथन का है उस पे आपका आता है, पाइथन में अगर आपने बनानी है मिनी गेम उसमें आपने नंबर गेस करना है। नंबर गेस आप करोगे, नंबर गेस करते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका जो नंबर गेस होगा उसमें वो आप किन बेसिस पे कर रहे हो, नंबर गेस किन बेसिस पे कर रहे हो और नंबर आपने किन बेसिस को लेके गेस करना है। इट मींस कि यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगेगी। हम तो यहाँ पे पाइथन ओपन कर लेते हैं, आइडल आईडी आइडल पे कर लो या आप उस पे कर लो पाइथन पे कर लो, आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल होंगी, आपके पास पाइथन भी है आपके पास पाइथन भी है, सो यू कैन इजली गो विद एनी काइंड ऑफ थिंग। मैं यहाँ पे पाइथन अपडेट कर लेता हूँ। मेरे पास पाइथन ओपन होने जा रहा है, अब मैं पाइथन ओपन करूंगा तो पाइथन के ऊपर हमने इसकी वर्किंग करनी है और ये बहुत इजी है, इसमें इतना इजी ये काम है गेसिंग अ नंबर इन पाइथन कि आपने सिंपल इस पे एक प्रोग्राम बनाना है जो रेंडमली ले रहा होगा। मैं आपको अभी एक गेस्ट दे दूंगा, जैसे मेरे पास ये आ गया, मैं यहाँ पर एक पाइथन फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक पाइथन फाइल आएगी, एक पाइथन फाइल आ जाएगी मेरे पास। इस फाइल का नाम हम रख लेते हैं मिनी गेम, इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ मिनी गेम। मैंने मिनी गेम इस पाइथन का फाइल का नाम रखा। मैंने यहाँ पे करना है इंपोर्ट रैंडम, एक मैंने चीज इंपोर्ट करनी है ये वाली, ठीक है। यहाँ से मैं इसका अब इंटरप्रेटर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, पाइथन 3.0। अच्छा, इसकी एसडीके नहीं है, मैं यहाँ से इंटरप्रेटर की सेटिंग में आता हूँ ताकि मैं पाइथन का इंटरप्रेटर वो मुझे मिल जाए। शो ऑल में गए, यहाँ पर मेरे पास एनवायरनमेंट टूल आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करके देखता हूँ, ये भी नहीं आ रहा। इट मींस कि आई हैव टू चेक विद पाइथन इंटरप्रेटर। ओके ठीक है, इनहेरिट करूँगा यहाँ पर और मेरे पास लेट अस चेक विद पाइथन, ये आ गया मेरे पास और यहाँ से मैंने पाइथन की फाइल को पिक कर लिया, या यहाँ से मैं लूंगा अब एक्सिस्टिंग एनवायरनमेंट पे मेक विजिबल टू ऑल प्रोजेक्ट्स, ये किया। ओके नाउ वी आर गुड टू गो, अप्लाई कर दिया एंड ओके। अब इंडेक्सिंग में हमारे पास पाइथन का इंटरप्रेटर आ चुका है, अब पाइथन के इंटरप्रेटर को नाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज। अब मैंने यहाँ पर देना है नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू, नंबर इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडम इनिट ब्रैकेट में 1 से मैंने कहा 10 तक आपने देने हैं, ठीक है आप 1 से 10 तक पकड़ लो, उसके बाद आपने कुछ नहीं देना। पहले हम देते हैं PLAY या प्लेयर अंडरस्कोर नेम, मैंने एक दे दिया इज इक्वल्स टू इनपुट इनपुट और ब्रैकेट में मैं दे दूंगा इसको HELLO हेलो व्हाट इज योर नेम,
हेलो व्हाट इज योर नेम, मैंने दे दिया और यहाँ पर मैं दे दूंगा नंबर नंबर अंडरस्कोर गेस, अगर वो गेस करता है इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो से स्टार्ट कर दो, ठीक है, प्रिंट कर दो मुझे ओके, अगर तो वो नंबर गेस कर लेता है, अगर तो वो नंबर गेस कर लेता है, और मैं यहाँ पे दे दूंगा पी एल ए वाई प्लेयर अंडरस्कोर नेम, प्लेयर का नाम बता दो, और मैं उसको साथ ही कह दूंगा के प्लस गेस गेस द नंबर फ्रॉम वन वन टू टेन। अब इसके बीच में नंबर को है वो गेस करेगा, ठीक हो गया। अब मैं यहां पर चलाऊंगा लूप वाइल नंबर अंडरस्कोर गेस, जब तक वो गेस कर रहा है जो कि ग्रेटर देन फाइव है, ग्रेटर देन फाइव है, तो यहाँ पे बता दो क्यों गेस हुआ है नंबर, जी यू डी डब्ल्यू एस गेस इज इक्वल्स टू इन करो, इनपुट लो यहाँ से, इनेट की इनपुट लो, ठीक हो गया। अब नंबर गेस को इक्वल्स टू असाइन कर दो, इक्वल्स टू कर दो, इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू वन हो गया, या इसको साथ प्लस इज इक्वल्स टू वन कर दो, प्लस इक्वल्स टू वन कर दो, प्लस इक्वल्स टू वन आ गया। इफ गेस जो है वो लेस देन है नंबर, जो नंबर हमने रखा उससे लेसर है, जो नंबर रखा उससे लेसर है, अगर उससे लेसर है तो वो प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो हिंट में, जैसे Your guess is low. Your guess is low. अगर फिर नंबर उसका ग्रेटर है, if guess greater than number, ठीक है, अगर तो वो ग्रेटर है उस नंबर से, तो यहाँ पर अब आप प्रिंट कर दो ये प्रिंट क्यों खराब आ रहा है, प्रिंट कर दो योर गेस इज हाई इफ गेस इक्वल्स टू नंबर के है, यहाँ पे प्रिंट कर दो, यू गेस द नंबर, यू गेस द नंबर। अब आगे टोटल असाइनमेंट मैंने ऑलमोस्ट पूरी कर दी है, ठीक है, str मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी, और यहाँ पे बताऊंगा नंबर अंडरस्कोर गेस जो आपने किया है प्लस इतनी ट्राइज में किया, आपने इतनी ट्राइज ली, इतने ट्राइज में आपने नंबर गेस किया, else में जाके प्रिंट कर दो यू डिड नॉट, यू कांट, यहाँ पे कुछ भी लिख दो गेस का नंबर, और यहाँ पर आ जाएगी आपके पास str bracket नंबर। ये टोटल आपका प्रोग्राम था जो आपने करके देना था, दैट्स इट, ये टोटल है जो आपकी मिनी गेम रन। अब सिर्फ इसमें आपने बाकी चीज को देखना कि बाकी इसमें 100 तक पूछा गया तो आपने 100 तक इसका आंसर देना है। यहाँ पे आपका नेम आ गया, मैं यहाँ पे देता हूँ डीएडब्ल्यूटी, ठीक है, मैं इधर देता हूँ 1 to 10 है, मैंने इधर 4 दिया, यू गेस इज लो, यू कैन गेस द नंबर इज 5, ठीक है, तो एक्चुअली 5 था। अब मैं इसको दोबारा कर चलाता हूँ, करता हूँ, अब मैं इसको स्टॉप करता है, इसको दोबारा चलाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया रियलिटी दाऊद दिया, अच्छा गेस द नंबर, ओके दाऊद गेस द नंबर 1 to 10, मैंने 5 दिया, योर गेस इज लो, नंबर उसका था 8। तो ये आपके पास टोटल गेम थी। अब आपने इसको डिजाइन करना है 400, आपने इसको डिजाइन करना है 400, आपने इसको 100 के लिए डिजाइन करना है, ठीक है, आपने इसको 100 के लिए डिजाइन करना है,
और 100 नंबर्स के लिए जब आप डिजाइन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 100 नंबर्स में इनकी क्या क्या चीज आ रही है। ठीक है, अब आपने इसको 100 के लिए डिजाइन करना, ये तो आपके पास था टोटल प्रोजेक्ट जो आप इजीली आराम से कर सकते हो। स्टिल हैविंग एनी ट्रबल तो मुझे साथ ही बता देना, ठीक है? साकल।